और दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक लड़की ने दोस्तों की दगाबाजी पर खुदकुशी कर ली। लड़की तो जिंदा नहीं रही, लेकिन मरने से पहले उसने अपने मौत और उसके गुनहगारों का जिंदा सबूत जरूर छोड़ दिया। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। अपनी मौत का जिंदा सबूत छोड़ जाऊंगी। पहले जरा इस वीडियो पर गौर कर लीजिए। ये जिंदगी और मौत के बीच के आखिरी लम्हे हैं। मरने से पहले दो लोगों के नाम लेकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई नेहा। जी हाँ, नेहा, यही नाम है 23 साल की उस लड़की का जिसके लिए उसके दोस्तों के अल्फाज दिल में नश्तर बनकर चुभते रहे और उसने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। 29 मई 2014, वक्त रात के 11 बजे, यही वो तारीख है जब नेहा ने हमेशा के लिए अपने बेरहम दोस्तों से और इस दुनिया से बहुत दूर जाने का फैसला कर लिया। नेहा ने बाथरूम के शावर से लटक कर अपनी जान दे दी। यादों और तस्वीरों में कैद हो चुकी नेहा अब कभी नहीं भूलेगी, लेकिन उसके साथ हुए जुल्मों का हर सबूत अभी जिंदा है। खुदकुशी से पहले नेहा ने मौत के लिए मजबूर करने वाली गवाही दी। उसने अपने बयान वाला एक वीडियो बनाया। नेहा ने अपनी मौत के लिए अपने दोस्त उमर और शिखा को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन नेहा के परिवार को अब तक इंसाफ की दरकार है। लेकिन इस बार उसने पैसे मांगे तो नेहा भी अब जॉब करने लगी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को, और क्या कहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का भी वो कर रही थी, एंकरिंग करती थी। तो बोली, मम्मी मैं पैसे दे दूँ? तो मैंने कहा दे दे। तो उसने 1,10,000 रुपये उमर को दे दिए। नेहा के परिवार के मुताबिक उमर नाम के लड़के से नेहा की दोस्ती करीब 4 साल पहले हुई थी। उमर की दोस्त शिखा के साथ भी नेहा की दोस्ती हो गई। परिवार के मुताबिक नेहा ने उमर को 1,10,000 रुपए उधार दिए थे। परिवार वालों का कहना है कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले नेहा ने अपने पैसे मांगे तो उमर और शिखा ने भला बुरा कहते हुए उससे कह दिया कि वो अपनी जान भी दे दे तो भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। LLB की पढ़ाई करने के बाद नेहा ने अपनी माँ से परेशानी का जिक्र भी किया। माँ ने समझाया कि पैसे वापस मिल जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन नेहा के दिलो दिमाग में उमर और शिखा की वो बातें गूंजती रहीं। माँ और पिता के हाथों में अब नेहा की तस्वीरों के सिवा कुछ नहीं है। उन्हें 1,10,000 रुपए न मिलने का कोई अफसोस नहीं। आंखों के आंसू और दिल की मायूसी सिर्फ यही कह रही है कि नेहा की मौत के आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे कब भेजेगी। राजेश खत्री, दिल्ली।